नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय में अध्याय 16 अशोक का शिष्य एक एकांकी है। ये हम इस एकांकी को पढ़ेंगे, ठीक है। ये नाटक के रूप से एकांकी होता है कि एक निश्चित समय का एक अंक का जो है इसमें इसका नाटक के माध्यम से एक अंक को समझाया गया है, उसी को एकांकी कहते हैं। अशोक का शिष्य एक एकांकी है कि अशोक ने जब कलिंग नरेश के ऊपर विजय प्राप्त की, जब कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की, उस विजय प्राप्त से लेके उनके शस्त्र का एक अंक बना है, एक समय है, उसी के बीच के जो वहाँ पे प्रसंग हुए थे, जो बातें हुई थी, उसी को इस अध्याय में दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपने अगले अध्याय 16 अशोक का शस्त्र त्याग इस एकांकी इस नाटक को पढ़ेंगे। ये सम्राट अशोक का आपने नाम सुना ही होगा। हमारे भारत देश पे बहुत ही अच्छे राजा के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। ये कलिंग राज्य पर जब इन्होंने आक्रमण किया और कलिंग राज्य को जीत लिया, उसके बाद उस समय युद्ध की स्थिति देखने के बाद जो चारों तरफ विनाश ही विनाश का मंजर था, हर तरफ लाशें ही लाशें सैनिकों की बिछी हुई थी, उसको देखकर और महात्मा उपगुप्त जी के उपदेश को सुनकर इनके अंदर बहुत ही आत्मग्लानी हुई। ये अंदर ही अंदर कुढ़ने लगे कि बताइए, एक राज्य जो आक्रमण करता है दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए, अपने शासन के सत्ता को बढ़ाने के लिए कितना बलि देता है सैनिकों का। ये देखकर, उनके सैनिकों के बलिदान को देखकर, चारों तरफ लाशों को देखकर और उन सैनिकों के परिवार के बारे में सोचकर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसी दिन से सम्राट अशोक शस्त्र का त्याग करते हैं। ये उस समय का दृश्य नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, इस अध्याय को शुरू किया जाए। सायंकाल का समय है। महाराज अशोक कलिंग की सीमा पर अपने शाही शिविर में चहलकदमी कर रहे हैं और द्वार की ओर देखते जा रहे हैं। जब कलिंग पर विजय प्राप्त हुई तो ये अपने शाही शिविर में सम्राट अशोक जो है सायंकाल में बार बार अपने शिविर के दरवाजे के तरफ देख रहे हैं। आइए अब देखिए उस समय क्या होता है, नाटक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जयगुप्त प्रवेश करते हैं। महाराज की जय हो। कलिंग के युद्ध में महाराज की विजय हुई। इनके सेनापति जयगुप्त आते हैं और कहते हैं कि महाराज आपकी जय हो, आप हमेशा की तरह आपने ये कलिंग का युद्ध भी जीत लिया है। अशोक, यह तो हम जानते ही थे, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे जयगुप्त। अब जयगुप्त कहते हैं, जी महाराज, हमारी प्रचंड सेना ने देखते देखते कलिंग की सेना को परास्त कर दिया। कलिंग नरेश रणभूमि छोड़कर भाग गए और उनके पुत्र जयेंद्र को बंदी बना लिया है। अब अशोक, सम्राट अशोक कहते हैं, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। जयगुप्त, तुम अत्यंत पराक्रमी हो जिसने कलिंग नरेश के अभिमान को चूर चूर कर दिया, यही हमारी अभिलाषा थी। जयगुप्त तब कहते हैं, यह सब आपकी कृपा है महाराज। फिर अशोक जी कहते हैं, ऐसा ना कहो जयगुप्त, यह सब तुम्हारे पराक्रम का फल है। आज इस महान खुशी के अवसर पर घोषणा कर दो कि प्रत्येक सैनिक को 10-10 दिन की छुट्टी दी जाती है और वीर सैनिकों को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी करो। जयगुप्त अब अशोक, सम्राट अशोक की यह बात सुन के कहते हैं, जैसी महाराज की इच्छा हो। महात्मा उपगुप्त का प्रवेश। सम्राट अशोक अभिवादन के साथ, कैसे पधारना हुआ महात्मन। अब महात्मा उपगुप्त जी कहते हैं, मैं सम्राट अशोक को उसकी पराजय का समाचार सुनाने आया हूँ। सम्राट अशोक जो है आगे क्या कहते हैं मुस्कुराकर, हमारी पराजय, आपको किसी ने गलत सूचना दी है, हम तो आज के युद्ध में विजयी हुए हैं गुरुदेव।
महात्मा जी कह रहे हैं, उपगुप्त जी, नहीं सम्राट अशोक, भला मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? या संभव है कि सेनापति ने आपको गलत सूचना दी हो, वास्तव में आपकी पराजय हुई। अब सम्राट अशोक चिंता में पड़ गए। अब वो जयगुप्त की तरफ देखने लगे कि हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। फिर जयगुप्त कह रहे हैं, नहीं महाराज, यह सत्य नहीं है, विजय आप ही की हुई है। सुनिए महाराज, विजय ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अब जयगुप्त डर गए, कह रहे ये महात्मा जी हमको क्यों झूठा साबित कर रहे हैं, जबकि विजय हो गई है हमारी। फिर भी अब वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं जयगुप्त, नहीं महाराज, हमारी विजय हुई है, विजय ध्वनि सुनाई पड़ रही है, आप सुन सकते हैं, अपनी सफाई में बोल रहे हैं जयगुप्त। अब महात्मा जी बोल रहे हैं, यह सब कुछ भ्रम है महाराज। कह रहे हैं कि महाराज ये जो विजय ध्वनि है ये सब भ्रम है। तो अशोक कह रहे हैं, तो क्या जो हम देख रहे हैं वह सब कुछ भ्रम है? अब अशोक जो है परेशान हो गए, कह इसका मतलब हम जो देख रहे हैं, विजय ध्वनि हमको सुनाई दे रही है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, वो सब झूठ है, वो सब भ्रम है। उपगुप्त जी कहते हैं, हाँ राजन, आप सत्य से परे हैं, इसलिए आज आपको असत्य भी सत्य नज़र आ रहा है। आपको सत्य के दर्शन करने होंगे, क्या आप सत्य के दर्शन के लिए तैयार? अब अशोक जी कह रहे हैं, हाँ हम तैयार हैं, कहिए आपके साथ कहाँ जाना होगा? अब महात्मा जी कह रहे हैं, युद्ध भूमि में। अशोक कह रहे हैं, युद्ध भूमि में? फिर उपगुप्त जी कह रहे हैं, तो क्या सम्राट अशोक को सत्य देखने के लिए मेरे साथ अकेले चलने में भय लगता है? अब अशोक जी कहते हैं, ऐसा नहीं है, सम्राट अशोक को साक्षात मृत्यु से भी भय नहीं लगता, हम चलने के लिए तैयार हैं। जयगुप्त, किंतु महाराज, इतने ही कहने पे सम्राट अशोक ने जयगुप्त को रोका, नहीं जयगुप्त, विजय का सच्चा रूप देखने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। उपगुप्त के साथ प्रस्थान। उपगुप्त जी के साथ, महात्मा के साथ सम्राट अशोक जो है युद्ध भूमि में जाते हैं। सम्राट अशोक और महात्मा उपगुप्त साधारण वेश में रणभूमि की ओर जा रहे हैं। रात्रि का समय, अब रात के समय, क्योंकि सायंकाल शाम के समय जो है ये सब बातें हुई, ठीक है। अब उस युद्ध भूमि का, उस रणभूमि का जहाँ पर युद्ध हुआ था, वहाँ का दृश्य देखने के लिए दोनों लोग वेश बदल कर रणभूमि में पहुँच गए। अशोक, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं गुरुदेव? अब अशोक, सम्राट अशोक को कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो गुरुदेव से पूछे, ये कैसी आवाज़ है? अब उनके गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका रहस्य अभी पता चल जाएगा राजन। अब महात्मा जी कह रहे हैं कि अभी चलो, आगे तो चलो, अभी सब पता चल जाएगा ये कैसी आवाज़ें हैं। सम्राट अशोक कह रहे हैं, चलिए, आगे बढ़ने पर कुछ लोग दीन अवस्था में कराते हुए दिखाई देते हैं। और सम्राट अशोक जो है आगे जाकर क्या देखते हैं, पास जाकर कहते हैं, ओ तुम्हारी यह दशा, बताओ किस दुष्ट ने तुम्हारी यह दशा की है। फिर आगे चलकर जो है सम्राट अशोक कुछ सैनिकों को कराते हुए देख रहे हैं और उनके पास जाके पूछे कि किस दुष्ट ने यह तुम्हारी दशा की। अब नागरिक, जो वो सैनिक था, नागरिक था, वो कह रहा है, जिस निर्दयी ने हमारे हाथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आह, उसका नाम लेते हुए भी हमें लज्जा प्रतीत होती है। भाई, निर्दयी अशोक का नाम तुमने भी सुना होगा, आह, करा रहा है। अब वो नागरिक सम्राट अशोक का नाम लेके कह रहा है कि तुम तो इनको जानते ही होगे, उसी ने यह हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया है, उसी के कारण हमको ये कराने पड़ रहे हैं, हमको कष्ट हो रहा है। अशोक अब कहते, सम्राट अशोक आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं, अरे सम्राट अशोक ने क्या किया है? अब वो नागरिक कहते हैं, हाँ, उस अशोक की सेना ने हमारी यह हालत बना दी है, हमें कहीं का ना छोड़ा, हमारा धन लूट लिया, हमारे घर जला डाले, आ, और हमें इस हालत में पहुंचा दिया। वह रोता है। अब वो नागरिक रोते हुए कह रहा है कि सम्राट अशोक ने ही अपने सैनिकों को भेजा था युद्ध करने के लिए, और उनके सैनिक जो है हमारे धन को लूट लिए, हमारे घर को जला डाले, और हम सबको मार पीट के घायल कर दिया। और वह नागरिक रोने लगता है। अशोक, रो नहीं भाई, तुम्हारे आंसू हमसे देखे नहीं जाते हैं, नागरिक तो क्या करें, अब हमारे पास रोने के अलावा बचा ही क्या है? अशोक जी कहते हैं, बस करो महात्मन, हमसे इस गरीबों का दर्द और नहीं देखा जाता है। उपगुप्त,
धैर्य से काम लो राजन, सत्य का पर्दा उठने लगा है। बस इतने ही साहस से आप मेरे साथ आए थे? गोदी में एक बालक का शव लिए पगली प्रवेश करती है। अब पगली कह रही है, मैं अशोक का लहू पीऊँगी, क्या तुम भी मेरे बच्चे का रक्त पीना चाहते हो? लो पी लो। वह बच्चे के शव को अशोक की ओर बढ़ाती है। जाऊँगी, लहू मींस होता है बच्चों खून। अब अशोक चीख कर गुरुदेव पीछे हटता है। पगली, डर गए? एक घूंट तो पियो। दोनों प्रस्थान करते हैं। अब सम्राट अशोक जो है घबरा गए और वो गुरुदेव से अपने कहते हैं कि अरे गुरुदेव ये क्या कर रही है, और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। फिर वो महिला कहती है कि लो क्यों डर गए हो, तुम भी पी लो, मेरे छोटे से बच्चे को तो मार ही डाले हो। फिर अशोक कहता है, बहुत हो चुका गुरुदेव, अब हमारे हृदय में इतना साहस नहीं कि आगे बढ़ सके, कितना भयानक दृश्य है। सचमुच आज मानवता के सामने हमारी सबसे बड़ी पराजय हुई है, ऐसा देखने से पहले हमारी जान क्यों ना निकल गई। हमें इस अंधकार से निकलने का मार्ग बताइए गुरुदेव। उनके गुरुजी उपगुप्त जी कहते हैं, राजन जब तक आपके पास हिंसा की निशानी रहेगी तब तक आप इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब उनके गुरु ये समझा रहे हैं कि जब तक हिंसा करोगे, मारपीट करोगे, दूसरे राज्यों को हराओगे, उनका राजपाट छीनोगे, तब तक ये अंधकार से बाहर आप नहीं निकल पाओगे, तब तक आप इन सैनिकों के, इन बच्चों के हत्या के जिम्मेदार आप ठहराए जाओगे। फिर अशोक क्या करते हैं, अपनी तलवार निकाल कर फेंक देते हैं, फेंकते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, हमारे साम्राज्य में किसी मानव की तो क्या किसी जीव की भी हत्या नहीं होगी। अब उसी समय अपने गुरुदेव का उपदेश सुनकर वह अपनी तलवार निकाल कर फेंक देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं कि अब से किसी भी मानव किसी भी जीव की हत्या हमारे साम्राज्य में नहीं होगी, सभी प्यार से रहेंगे। फिर उनके गुरु उपगुप्त जी कहते हैं, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी, आगे बढ़ो राजन, सूर्य आपके पथ को आलोकित कर रहा है, आपको मानवता का कल्याण करना है। फिर पर्दा गिरता है और इसी के साथ जो है यह एकांकी समाप्त होती है। बच्चों, इस एकांकी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें जीवों को सताना नहीं चाहिए। लोग अपने खुशी के लिए, अपने उन्नत के लिए दूसरे लोगों की औनति का रास्ता खोलते हैं, दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं जो कि खुद ही उसमें गिर जाते हैं। इसलिए हमें मानवता को बचाना है और सभी जीवों पे, चाहे वो मानव हो या कोई जीव जंतु हो, सब पे दया दिखाना है, उनको सताना नहीं चाहिए। इस कहानी का, इस एकांकी का यही हमें शिक्षा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग भी शपथ लीजिए कि कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करिए और जीवों पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखिए, सभी के साथ प्यार से रहिए। ठीक है बच्चों, उसके अब ये अध्याय समाप्त होता है। आपको PDF के माध्यम से अभ्यास प्रश्न के उत्तर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।